अस्सलाम वालेकुम भाइयों, का हाल है भाइयों? तुमने पता हो कि मेवात में आज एक बहुत बड़ी खबर वायरल हुई पड़ी है, जो कि आसफ मेवाती हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, खलीलपुर खेड़ा मेवात जिला नूह और सोना के करीब जो गांव है हुगो है यू, और बेचारों 40-50 हिंदू ने यू गढ़ मिल के रात के टाइम बेचारों कत्ल कर दियो, यानी कि हत्या कर दी। तुम एक बात बता दो चलू, हिंदू कौम जो है ई मुसलमान को कदी दोस्त ना बन सके, ई तो सदी जद्दी पुष्टी यू बात है कि यू कदी मुसलमान को दोस्त ना बन सके। और तुमने पता है कि इनने यू बहानो लगायो कि हमारी ऐसी पुरानी रंजिश ही, पुरानी लड़ाई ही, बात यू ना है, ई बात यू है कि यू सबसे अच्छो समाज सेवी हो, जनता का काम कर रहे हो, आवाम के लिए काम अच्छा अच्छा कर रहे हो, अपने गांव की देखभाल कर रहे हो, सारा लोगों से अच्छा संबंध आया का, अच्छा रिश्तेदारी ही, अच्छो मतलब दोस्ताना हो। मेरी काफ़ी दिन से आसू मतलब बातचीत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक मेवात में कोई बच्चा या के मतलब या इन हिंदू के खिलाफ ना खड़ो हो, जिनने मतलब हमारो आसफ भाई कत्ल करो है, कोई भी मेवात में खड़ो ना हो, असगर तूफानी बहन जो यूँ ना खड़ो हो, अरसद बीस रू हर खबर मेवात के सबसे अगले पहुँचे, लेकिन अभी तक या कि मैंने कोई खबर ना दी जा सकती जो ऊपर बढ़ाई हो कि जो हमारे मेवात को एक शेर दिले गबरू जवान जो कत्ल हो या के ऊपर का ही बच्चा मिल जो ना पड़ा। हम पाकिस्तानी मेवात से खड़ा हो रहा है, खलीलपुर खेड़ा के जितने भाई दोस्त हैं, वहाँ के माँ बाप है, वहाँ के भाई है, रिश्तेदार है, सब ने मेरा पैगाम भाई या के साथ हम पूरी मेवात के साथ हम खड़ा हो रहा, कोई ना हो रहा तो हर साथ हम देंगे। हम अपनी वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल करवा के हम जो हरियाणा मुख्यमंत्री है, वजीर आला है, वक्त तक हम अपनी वीडियो पहुंचाएंगे कि हमारे भाई आसफ लू इंसाफ दियो जावे, काई बिना पे कत्ल करो, काई लू कहा वजह है। और हमारी पाकिस्तानी मेवात में भी कम से कम 80-85 लाख मेवात आबाद है पाकिस्तान, ठीक है, जिला कसूर, जिला सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, इन सारे इलाकों में और कराची में तकरीबन पूरा पाकिस्तान में मेवात फैली पड़ी 80-85 लाख मेवात। अभी तक पाकिस्तानी मेवात में कोई बच्चा ना बोला या केस के खिलाफ, हम बोल रहे हैं भाई हमारे भाई इंसाफ दियो जाए, हमारे भाई की कत्ल हो आसफ, और आसफ मेवाती खलील खेड़ा गाँव से जिला नूह है और तहसील मतलब सोना शहर भी है, पलवल जिला भी लगे हैं, लेकिन भाई एक साथ माड़ो हुए हो, एक साथ भाई एक साथ दियो मेवाती भाई, गुजारिश है ये सिंगार वाले बहन जो पहले नुकली बाहर रोड पे निकल रहे जब एनआरसी लगी, लेकिन अब कितना निकल रहा, पहले तो हमारे जुनैद भाई कत्ल कर दियो, पहलू खान कत्ल करो, बस पहले तो काड़ू भाई कत्ल कर दियो, एरिया में ये हिंदू रात के टाइम आवा गिदड़न की टीम लेके और रात हमारे मेवात के भाई मार जावा, ये भाई बहादुरी ना है हिंदू लू, हिंदू की बहादुरी ना है, हिंदू की ऐसी की तैसी हिंदू ना बोल सका हमारे मेवन के सामने। हमारे मेवन से सारा से मेरी यही गुजारिश है कि इकट्ठा होकर रोड पर निकलो, जासु का ही पता लगे भाई या जिला तहसील नू है भी बाईपास से ब्या का ब्लॉक कर दो, रोड पर चढ़ जाओ, दिल्ली तक पहुंचो और पलवल जिला, गुड़गांव सारे इलाकों में धरना दे दो, जासु पता लगे प्रदर्शन दो कि हमारे भाई कत्ल हो, बाकी हम वो लेंगे अपने पेश। भाई सारा भाई ने पता हो कि बेचारो कैसे बेदर्दी से कत्ल करो, हमारो चंगो जवान छोरो खेती बाड़ी करक रहे, या को काई से कोई लड़ाई झगड़ो ना हो, खेती बाड़ी करक रहे, या किला भाई जिम सिटारो मतलब कलम में जाकर जिस्म बनाओ बेचारा ना। मेरे अजमल शेर जवान तू अल में बात की जान, मतलब पूरा यार रोब वाला बंदो, लेकिन आज वक्त माँ बाप पर कहा बीत रही होगी, जब वो मरो मराए उनके सामने पड़ो, कत्ल कर दियो, चाकून से मारो, गाड़ी से टक्कर मारी है, पीछे से गाड़ी मारी है, फिर वह गाड़ी में आगे से गाड़ी मारी है, वह भाई भी मार दियो, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने बचा दियो, ये बेचारो अपने मतलब के जिंदगी से रुखसत हो चुको, लेकिन आज ये हिंदू जो बोल रहा है इतनी तादाद में, तम वो लगो मेवाती हो तम डर रहा हो, मत डरो इनसु, ये कुछ ना हा हिंदू, तम आप ही अंदाजो लगा लियो कि हमारो आसफ भाई ने रात के टाइम मारो, रात के टाइम दोन पे वार करो, ये 40-50 जना इकट्ठा हुआ जब उन्हें मारो, तुम आप हिसाब लगा लियो कि कितना बड़ा डरपोक और गीदड़ा आदमी है हिंदू। और अब मेहूत एक ऐसी कौम है, इन्हें तो अंग्रेजन पे बाढ़ खुंदवा दी, अंग्रेज मुता दिए इन्हें तो, आज राजा गुज्जर जोड़ सो हिंदू को लीडर बनो पड़ो, आज हिंदू को ऊंचे जोड़ सो बात कर रहो, मेवन धमकी ने दे रो, अरे ये हमारे पाकिस्तान में होते थे अगर लाठी से गुआ निकाल देता मार मार के लाठी, ये कहाँ को बदमाश है यू, अरे मेवातियों इकट्ठा हो जा, तुम तो एक बहादुर कौम हो। आज मेवात में फिर यही लोग अरसद बीसरू हो गो,
असगर तूफानी होगो असमिना रशिया ऑफिशियल, ये जितना भी हाँ जितनी भी है जिनने चैनल बना रखा लाखों सब्सक्राइबर है इनका पिए, ये आज फिर कहेंगा लाला मेवाती बात करे तो नफरत की करे, खुदा की कसम नफरत की बात ना करो। मैं अपना मेवाती भाई ने उभारना चाह रूँ, आओ भाई रोड पर निकलो, आज ये मारो है कल जुनैद, पिछली दफा जुनैद मारो, काड़ू मारो, पहलू खान मारो, कल तुम भी मरोगा अगर तुम खड़ा ना होगा। तो भाइयों अपने भाई खलीलपुर खेड़ावाड़ा इनको साथ दियो, इनके भाई साथ जाओ, इनके रोड ब्लॉक करो और हुकूमत से दरख्वास्त करो कि तुम लोग इंसाफ मिले। ये जिला नूह की पुलिस ने जो 6 आदमी पकड़ा है, अगर तम कोई ना दे सो पीछे सूत, ये जोन सी जाट गुजर कौम हिंदू की इन छुड़ा लेगी, तुम्हारे छूट जाएगा जब तम ना निकलोगे रोडन पे, इन लोग तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तम रोड ब्लॉक करोगा जब पूरा वह धरना दोगे, जब पता लगेगा इनने कि वाकई भाई कोई मेऊ कौम हैगी है और अपना बदला पूरा ले सके, ये मेऊ मुसलमान मैं अपनी तरफ से नसीहत कर रहा हूँ कि देखो यू बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगा, हर घर से आसफ मेवाती निकलेगा, तुम कितना आसफ मेवाती मारोगा। तो भाई मेरा बात यही कहने का मकसद यू है कि अल्लाह पाक या आसफ भाई लू या कि मगफरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम दे, और भाई या तुम्हारे सारे दुआ करो, और भाई हमारे अब यह दुनिया में ना रहे हो आसफ मेवाती, हम नहीं दे बता सकूँ हिंदू दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच लोग कल्ला लड़ना उठा कर लीड करके छोड़ देते उनके, लेकिन रात के टाइम कितना ने पूरा तरीका से हम लोग करो हो, लेकिन कोई ना वो तो जा जानो है मौत बरह के, लेकिन ये जास्ती हुई है हमारे मेवात के भाई के साथ, या को भाई साथ दियो सारी मेवात गुड़गावा जिला नूत पलवल जिला दिल्ली में जितने मुसलमान बैठे हैं और ये गुड़गावा में कहाँ में और या में जितने अपने सिंगार के जितने बड़े लीडर हैं सबन से दरखास्त है भाई यार या केस उभारो जैसे यू वीडियो वायरल होवे और यू भाई जो जिन हिंदू नहीं मारो है इन लोग मतलब सजा मिले। भाई हमारा चैनल तब मैं पता हूँ कॉमेडी वीडियो उनको, लेकिन हमने कॉमेडी वीडियो 2 महीना से वीडियो बना छोड़ी, लेकिन मैंने ई केस जब देखो कि हमारे भाई के साथ ऐसे हुए है तो मैंने वाइट टाइम वीडियो बनाई, मैंने की 3 दिन होगा अभी तक कोई ना इंडिया के मेवात में से बोल रहा हूँ ना पाकिस्तान के मेवात में से बोल रहा हूँ, सिर्फ अनीस मेवाती है वो भाई बोलो और कोई भाई ना बोलो अभी तक इंडिया के मेवात में से। तो भाई खड़ा हो यार मेहरबानी होगी तुम्हारी, और भाई हमारी जो नई वीडियो कॉमेडी वीडियो वो तो हमारी आएगी इंशाल्लाह 25 मई, जो 25 मई से हमारी वीडियो का आगाज़ हो जाएगा, वहाँ देखने हमारे लाला मेवाती के चैनल हसीमु टीवी सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और यह वीडियो आग की तरह पूरी मेवात में फैला दो, जैसे हर भाई पता लगे कि यार कोई पाकिस्तानी भाई भी बोल रहा हमारे साथ है।